हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्लोक की आशा करता हूँ स्लोक पड़ गया होंगे। तो वैसे क्या आपके पास रियलमी का C67 5G डिवाइस है? जी कैसे, अगर आपके पास रियलमी का C67 5G डिवाइस और आप स्लोक कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम होती है, ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन हो जाती है, तो वैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग्स करना चाहूँ जिससे आपका डिवाइस का बैटरी बैकअप काफी एनहेंसमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको अगर ना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ पर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपकी हैवी सेटिंग बताऊंगा सेटिंग में अंदर ले जाकर। तो आपको वीडियो को एंड तक फॉलो करना है। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कैसे यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती है कि ऑफ रहती है। तो क्योंकि कैसे यहाँ पर आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और आपके बैकग्राउंड रन करती है, जिससे आपकी बैटरी फालतू में ड्रेन होने लगती है। ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है जैसे आप किसी की परमिशन देते हो, पेटीएम वगैरह एप्लीकेशन में जाते हो अंदर, तो ऑटोमेटिक आपका वाईफाई लोकेशन ऑन हो जाता है। ऐसे आपका वाईफाई ब्लूटूथ भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। एंड कैसे यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मार्केट डाटा को 24 घंटे ऑन करके रखते हैं। जैसे कि मोबाइल लॉक करके पॉकेट में रखा है बट उनका डाटा ऑन है, या मोबाइल घर पर रखा है बट उनका डाटा ऑन है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, इससे आपकी बैटरी की हेल्थ है वो ऑटोमेटिकली डाउन होती चली जाती है और आपकी बैटरी ऑटोमेटिक फिर जल्दी से ड्रेन होने लगती है। हमेशा डाटा को ऑफ करके रखना है, जब भी आप मोबाइल को यूज कर रहे हो तभी डाटा ऑन करना है। डाटा ऑन करने से क्या होता है, आपको पता है आपका एक तरह से मोबाइल ऑनलाइन हो जाता है और जितने एप्लीकेशन होते हैं आपके डिवाइस में सभी के नोटिफिकेशन वगैरह हर टाइम आते रहते हैं, जिसके कारण बैटरी की हेल्थ ऑटोमेटिक डाउन होने लगती है और आपका बैटरी ड्रेन होने लगता है। तो हमेशा आपको अपने डाटा को जब भी आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो तभी ऑन करना है। अगर मोबाइल लॉक है या मोबाइल पॉकेट में रखा है तो हमेशा डाटा को ऑफ करके ही रखना है। अब सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। जैसे कैसे आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने का सबसे पहले किसी वही का सवाल है कि हमारे डिवाइस में जब से अपडेट आया ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन हो रही है। कैसे यहाँ पर बताना चाहूँगा, रियलमी वही के जो अपडेट आते हैं उनमें कभी कभी अपडेट के साथ बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद बैटरी ड्रेन हो रही है तो आप नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो, वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे तो वो उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से बैटरी बैकअप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट अपडेट में। अगर आपको नेक्स्ट अपडेट मिल चुका तो उसे कर सकते हो, अगर नहीं मिला तो आप वेट कर सकते हो नेक्स्ट अपडेट का। अब सिंपली आपको जाना डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपने पता नहीं मोबाइल नया लिया है या ओल्ड होता जा रहा है, आप पता नहीं इस वीडियो को कब देख रहे हो। अगर आपको अपनी बैटरी को 20-30% एक्स्ट्रा इंक्रीज करना है तो आप मोबाइल को डार्क मोड में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। इसमें क्या होता है, आपकी डिस्प्ले होती है पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है, उस कंडीशन में आपका बैटरी बैकअप है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड बताना चाहूँगा, आपको काफ़ी ज़्यादा एनहेंस लगता है चलाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कुछ लोग यहाँ पर लाइट मोड में ही ज़्यादातर यूज करते हैं। डार्क बताना चाहूँगा, आपकी बैटरी सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है वो होती है आपके मोबाइल की डिस्प्ले, और डिस्प्ले को आप डार्क मोड में यूज करोगे तो सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर आपने मोबाइल को नया लिया है फिर भी ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हाँ नया लिया था, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी पूरी डिस्प्ले सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, वही ब्लैक हो जाती है, डार्क मोड में चली जाती है। एंड यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा ऑटो ब्राइटनेस। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी ब्राइटनेस को हमेशा के लिए फुल रखते हैं, बट जैसे आप उसे ऑन करोगे मेरी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम हो गई। अगर आप कहीं अंधेरे में जाओगे तो ऑटोमेटिक और कम हो जाएगी, अगर आप कहीं धूप में जाओगे तो आपका मोबाइल आपकी ब्राइटनेस को फुल कर देगा। ऐसे क्या होता है, इससे आपकी बैटरी सेव होती है, बस हम ब्राइटनेस को हमेशा फुल रखते हैं और हमारी डिस्प्ले बैटरी को कंज्यूम करती रहती है, पर ठीक है सिचुएशन के हिसाब से कम ज़्यादा करती रहती है, जिससे हमारी बैटरी सेव होती रहती है। अभी फिलहाल के लिए कर लेता हूँ मैं मोबाइल को लाइट मोड में, ताकि आपको बता सकूँ सेटिंग। एंड सिंपली आपको जाना है बैक, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप बैटरी पर क्लिक करोगे यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन देगा आपको पावर सेविंग मोड का, तो आपको इसे ऑन कर देना है। आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेव होगी एंड एक तरह से बैटरी सेवर लग जाता है। इससे क्या होता है, जो भी बैकग्राउंड में चीज़ें रन करती हैं, जैसे आप ब्राउजर वगैरह यूज करते हैं, वो ये रनिंग कराना बंद कर देता है थर्ड पार्टी चीज़ों को, उस कंडीशन में आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेव होती है। सुपर पावर सेविंग मोड है, ये इमरजेंसी में इस्तेमाल आप कर सकते हो, जैसे आपके पास लाइट नहीं है, चार्ज नहीं है, आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है, आपको मोबाइल को 2-3 दिन चलाना है, कॉलिंग वगैरह के लिए रखना है इमरजेंसी इस्तेमाल में, तो आप इसे यूज कर सकते हो। सुपर पावर सेविंग मोड में क्या होता है, आपका मोबाइल डार्क मोड में चला जाता है, वॉलपेपर वगैरह यूज नहीं कर पाओगे, एक साथ आपके डिवाइस में जितने एप्लीकेशन होंगे वो सपोर्ट नहीं करेंगे, 6-7 एप्लीकेशन ही आप यूज कर पाओगे एक टाइम पर, उस कंडीशन में आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा चल जाता है, तो आप इसे इमरजेंसी इस्तेमाल में यूज कर सकते हो। आप सिंपली आपको जाना फोन बैटरी यूज में, इसमें आप जाओगे देख सकते हो आपका कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम कर रहा है, एंड उसी एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। एंड देख सकते हो यहाँ पर आपको चेक करना है अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी ऑन है कि ऑफ है, अगर ऑन है तो आपको ऑफ करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैटरी कभी कभी बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा जाती है। तो टू डॉट पर क्लिक करना और फोर्स स्टॉप कर देना एक बार एप्लीकेशन। सिंपली आपको देना है बैक करने के बाद, सिंपली बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर बैटरी सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको चेक करना है आपका मोबाइल कौन से परफॉर्मेंस मोड पर है,
एंड हाई होगा या स्मार्ट होगा, फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको इसे नो परफॉर्मेंस में रूममेट कर देना है। और जैसे कर दोगे देख सकते हो नीचे का लिखा है परफॉर्मेंस टू एक्सेंट बैटरी लाइफ, आपकी ऑटोमेटिकली बैटरी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, फालतू में बैटरी ड्रेन होती है वो नहीं होगी। सबसे पहली बात आपको सिंपली आना है बैक, एंड यहाँ पर आपको लिखा है ऑप्टिमाइज बैटरी यूज, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि बैटरी की हेल्थ डाउन होती जा रही है, कोई आप ज़्यादा यूज करते हो, हैवी टास्क करते हो, मोबाइल में गेम वगैरह खेलते हो, तो आप क्या कर सकते हो उस गेम पर क्लिक करना है आपको, कोई भी हो सकता है एप्लीकेशन, और ऑटो ऑप्टिमाइज पर लगा देना है। जैसे उस एप्लीकेशन को आप जब भी यूज करा करोगे ऑटोमेटिक आपका मोबाइल आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करने लगेगा, ज़्यादातर हीट नहीं होने देगा, तो आपकी बैटरी हेल्थ डाउन नहीं होगी एंड बैटरी फालतू में ड्रेन नहीं होगी। आप उस सेटिंग को भी यूज कर सकते हो। सिंपली आपको आना है नीचे, यहाँ पर लिखा है एक ऑप्शन स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड ऑफ होगा या बैलेंस मोड होगा तो आपको इसे सुपर पावर सेविंग मोड कर देना है। जैसे आप सुपर पावर सेविंग मोड करोगे ये क्या होगा, आपकी डिस्प्ले थोड़ी सी ब्राइटनेस से कम हो जाएगी, इनकी डिक्रीज हो जाएगी, एंड उस कंडीशन में आपका बैटरी बैकअप है 5 से 10% यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। आप नीचे पढ़ भी सकते हो 5 से × सुपर पावर सेविंग मोड इन एंड्रोशन इंक्रीज बाई 10%, 5 से 10% आपका बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा, डिस्प्ले आपकी बैटरी को सबसे कम कंज्यूम करेगी। आप इस सेटिंग को भी यूज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग, एंड अब आपको होम स्क्रीन पर आना है। होम स्क्रीन आने के बाद सबसे पहली बात, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल की स्टोरेज को फुल भर देते हैं। तो सबसे पहली बात फालतू की फोटो वीडियो एप्लीकेशन आपको तीनों चीज़ को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना गैलरी के अंदर एंड आपको एल्बम में आना है, और जो भी चीज़ आपने फोटो वीडियो भी डिलीट की होंगी आपको रिसेंट डिलीट पर जाना है, और यहाँ से भी डिलीट कर देना है, और वो चीज़ें परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी, फालतू में आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। सिंपली आपको आना बैक। कुछ लोग क्या करते हैं अपने मोबाइल पर सुबह से लेकर शाम तक यूज़ करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब गेम वगैरह जिनके मन में होता है वो सभी चीज़ें चलाते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना जब भी आप मोबाइल को लॉक करने जा रहे हो या चार्ज पे लगाने जा रहे हो कभी भी हमेशा रिसेंट मेनू पर क्लिक करो, और यहाँ पे जो भी चीज़ आपने यूज की सुबह से लेकर शाम तक यहाँ से आपको क्लोज ऑल करना है, तभी मोबाइल को लॉक करना है, क्योंकि ये चीज़ें बैकग्राउंड में रन करती हैं और आपकी बैटरी को ऑटोमेटिकली ड्रेन करती रहती है। और सभी लोगों का सवाल होने लगता है कि ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन हो रही है या रात में बैटरी ड्रेन हो जाती है ऑटोमेटिकली, इसी वजह से होती है। आप जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो यहाँ पर क्लोज नहीं करती, बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, रन करती रहती हैं, जिससे आपकी बैटरी फालतू में ड्रेन होने लगती है। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग, इसे आपको फॉलो करना और आपका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर सकते हो, यहाँ पर पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही। एंड लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरी बैटरी की हेल्थ देख सकते हो, मैंने पता नहीं इस वीडियो में कितनी बड़ी वीडियो बना दी, 5, 6, 7 मिनट की वीडियो होगी, 5 मिनट से ज़्यादा होगी, बट मेरी अभी बैटरी देख सकते हो 100% दिख रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बैटरी चलती है। आपको टेंशन नहीं लेना है, इस सेटिंग को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।